लोग जो है अपने प्यारों के साथ मिलने जो है यहाँ पर लोग ईद तो मनाने आते हैं, लेकिन जो है खाने पीने के सामान के साथ जो के जो गंदगी शॉपर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर ही फेंक के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मशहूर अहमद, और आप लोग देख रहे हैं GB True News HD। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गिलगित सिटी पार्क, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा पार्क कहलाया जाता है। इस वक्त ये ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है अपने प्यारों के साथ मिलने जो है यहाँ पर आए हुए हैं और अपने लिए इंजॉय कर रहे हैं, और छोटे बच्चे जो है यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, आपको मैं एक और बड़ा मसला बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है लोग ईद तो मनाने आते हैं, लेकिन जो है खाने पीने के सामान के साथ जो उनके रैपर्स होते हैं, उनके जो गंदगी शॉपर्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर ही फेंक के जाते हैं। तो ये जो है ये आलूदगी का सबब बन जाता है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हर जगह में जो है वो रैपर दिख रहे हुए हैं, चाहे वो बोतल की शक्ल में हो, या शॉपर की शक्ल में हो, या लेस की शॉपर की शक्ल में हो। आप लोग देख सकते हैं पूरा पार्क इस वक्त जो है वो गंदगी के ढेर में मुब्तला है। तो मेरी जो है वो यहाँ के अवाम से, यहाँ के यहाँ पर जो इंजॉय करने आते हैं, उनसे यही दिल्ली ख्वाहिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग जो हैं यहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, जो कि एसी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के थ्रू यहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, आप लोग जो है वो अपनी गंदगी जो है उसके अंदर डाल दें, ताकि जो है जो हमारा माहौल है यहाँ सिटी पार्क का जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गंदगी फैल रही है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती है। तो उनसे यही गुजारिश है कि जो रैपर्स हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं या दूसरी बोतलें हैं वो उठाकर जो है डस्टबिन में डाल दें, ताकि जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो ले जाके उस जो कूड़ा क्रिकेट है उसको जो उसके उसकी मुनासिब जगह है वहाँ पर ले जाके उसको एक्सपायर किया जाए या उसको जला के जो है उसको ख़त्म किया जाए। जी, मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HD यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को पर वक्त मिल सके।